पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के मौके पर अलवर के खैरतल में किसान चौपाल का आयोजन किया गया। यहां भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव शामिल हुए। कार्यक्रम से पूर्व यादव का भव्य स्वागत करते हुए भारी लवाजमे के साथ खैरतल कस्बे में रोड शो निकाला गया। वहीं देश में चल रहे किसान आंदोलन के चलते भाजपा द्वारा आयोजित किसान चौपाल के माध्यम से किसानों तक अपनी बात पहुँचाने का प्रयास भाजपा कर रही है। अलवर जिले के खैरतल कस्बे में आयोजित किसान चौपाल में पहुंचे भूपेंद्र यादव ने सभा को संबोधित करते हुए किसान बिल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज तक किसानों को उलझाए रखा गया। मोदी सरकार किसानों के हित में कानून लाई है, लेकिन कुछ लोग निजी स्वार्थों की वजह से किसानों को बर गलाने का काम कर रहे हैं। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 करोड़ किसानों को एक बटन दबाकर 18,000 करोड़ रुपए की राशि किसान सम्मान निधि के रूप में सीधे किसानों के खाते में जमा कराई है। लेकिन कभी कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहा करते थे कि वो 1 रुपया भेजते हैं तो जनता में पहुंचने से पहले ही 85 पैसे खाए जाते हैं। इस मौके पर अलवर सांसद बाबा बालक नाथ ने भी सभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार के कार्यकाल में विकास कार्यों की बात जनता के बीच रखी। जोरदार ताली बजाकर हमारे नव निर्वाचित इन चेयरमैनों का भी हम अभिनंदन करें, स्वागत करें। सोनलाल सुराना जी जो कि प्रभारी हैं, भूपेंद्र सैनी जी भी प्रभारी जो कि चुनाव प्रभारी रहे, अशोक टाटा जी जो कि आज और इस चुनाव के साथ उन्होंने जुड़कर इस चुनाव में जीत को संपन्न करने में उनका विशेष योगदान रहा, वो भी आज हमारे बीच में यहाँ पर विराजमान है। और सबसे विशेष रूप से दूर दराज क्षेत्र से आए हमारे सभी किसान भाई बंधु, युवा साथियों और हमारी माताएं, ये बहुत ही गर्व का विषय है कि आज गीता जयंती भी है और हमारे आदर्श और हमारे इस भारतीय जनता पार्टी का संकल्प जिन्होंने अपने मन में धारण कर जन जन तक पहुँचाया, ऐसे हमारे नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी की भी जयंती है। और उसके साथ साथ में अभी कुछ समय पहले जो हमारे यहाँ पर खैरतल और किशनगढ़ और उसके साथ साथ अलवर की 5 नगर पालिकाएँ जो कि लोकसभा क्षेत्र की हैं, 1 लोकसभा क्षेत्र के बाहर की 6 नगर पालिकाओं में यहाँ पर चुनाव हुए, उन चुनावों के अंदर ऐतिहासिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने 4 नगर पालिकाओं में अपना बोर्ड बनाया। और उस बोर्ड बनाने के तुरंत बाद में आज नवनिर्वाचित हमारे जो यहाँ के चेयरमैन हैं उनका भी आज शुभ दिन है कि आप सबके बीच में आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनके कुशल मार्ग में ये कार्यक्रम आज संपन्न होने को जा रहा है और अच्छे दिन की शुरुआतों के भाव से जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पताका को लहराया था उसी भाव से आज निरंतर उसी ऊर्जा से सबका देखने को मिलता है कि भारत में हर दिशा के अंदर हम सब मिलकर अपने भारत को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ इस कारवा को निरंतर जोड़ते हुए आगे बढ़ाने के कार्यक्रमों में निरंतर प्रयासरत है। इससे पूर्व यादव का भिवाड़ी व तिजारा में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक रामहित यादव, बनवारीलाल सिंगल, हेम सिंह भड़ाना, विधायक संजय शर्मा, जिला अध्यक्ष संजय नरूका व खैरतल नगर पालिका अध्यक्ष हरीश रोगा व अशोक डाटा आदि मौजूद रहे। 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपया पहुंच गया। आगे बढ़ाने के लिए देश के कृषि कानूनों में परिवर्तन करना आवश्यक है। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं, आप ये तो जानते हो कि आज हमारे पास फोन आ गया, किसानों के बेटों के हाथ में व्हाट्सएप आ गया है। कांग्रेस ये चाहती है किसान के बच्चे व्हाट्सएप पे गाने तो सुने, कंप्यूटर में गाने तो सुने, लेकिन अपने खेत की फसल को कंप्यूटर के माध्यम से दुनिया के बाजार में ना बेच पाए, इस रोक इस जो बंधन था इसको तोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। किसान और दुनिया के बाजार को इकट्ठा कर रहे हैं, उसको रोकने का काम कांग्रेस कर रही है। और हम तो क्या करें, हम गहलोत साहब को कहना चाहते हैं, पायलट जी को कहना चाहते हैं
आपस का झगड़ा आपस में कर लो, एक दूसरे को रोक लो, पर भारत का किसान जो तरक्की करना चाहता है उसकी राह में रोड़े मत अपनाओ, उसको आगे बढ़ने दो। नरेंद्र मोदी जी जो किसान बिल लाए हैं उसके समर्थन में किसानों को आज आगे आना होगा। और मैं आंकड़े के माध्यम से बात करना चाहता हूं, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता हूं जो बात कल को गलत हो, लेकिन मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को भी ये कहना चाहूंगा, केंद्र में 2009 से लेकर 2014 तक 5 साल आपने सरकार चलाई, देश के केंद्र में जो बजट का हिस्सा था उसमें कृषि के संबंध में हिस्सा केवल 8.5% था। 8.5%।